यहां विदिशा के सिरोंज में पीसीसी चीफ कमलनाथ की आमद के दौरान कांग्रेस में काफी उत्साह दिखाई दिया। इसी दौरान नटेरन जनपद के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह यादव का जलवा भी दिखाई दिया, जिन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी ताल ठोक दी है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। 21 दिसंबर को विदिशा जिले के सिरोंज में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दौरा था। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कांग्रेस समर्थक जुटे, जिसमें नटेरन जनपद के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह यादव का जलवा भी अलग से दिखाई दिया, क्योंकि उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। कमलनाथ की आमसभा के दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया और उन्होंने 2023 में कांग्रेस की जीत का दावा किया। आज सिरोंज में हमारे प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के मुखिया माननीय कमलनाथ जी और पूर्व मुख्यमंत्री जो आए थे, समसवाद विधानसभा मतलब पूरे मध्य प्रदेश की 2023 की विधानसभाओं की तैयारी, सिरोंज से विधानसभा का आगाज है चुनाव लड़ने का। और कमलनाथ जी ने जब सिरोंज से जब आज आम सभा को संबोधित किया तो इससे ऐसा लगा कि भीड़ कोई पैसों से लाई हुई भीड़ नहीं थी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जगह जगह गाड़ियां, ट्राली, मोटरसाइकिल लगवा के दबाव देके कर्मचारियों को बुला के भीड़ इकट्ठा करते थे, कोई भीड़ बुलाई हुई नहीं थी। हजारों की तादाद में आम सभा में भीड़ आई और समसवाद विधानसभा क्षेत्र से मेरे नेतृत्व में कम से कम 2000 कार्यकर्ता माननीय कमलनाथ जी का स्वागत करने के लिए, आम सभा को सफल बनाने के लिए सिरोंज आए। और हमें ऐसा विश्वास और ऐसा लग रहा है कि हमारा कार्यकर्ता इतने जोश में है कि हमारे विदिशा जिले की पांचों की पांचों विधानसभाएं कांग्रेस 2023 में जीत रही है और कमलनाथ जी 2023 में भारी बहुमत से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। अपने साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को लाए कांग्रेस नेता इंदर सिंह यादव ने कहा कि यदि पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वे जनता की समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। यदि कांग्रेस पार्टी मुझे चुनाव लड़ने का मौका देती है तो समसवाद विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार की बू आ रही है, किसान परेशान है, सारी नहरें जो है ना उस समय खुलती है जब किसान का तीसरा पानी देने की तैयारी हो जाती है, दलाली, दारूखोरी, भ्रष्टाचारी, खनिज माफिया, चारों तरफ देखो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, दलाली दलाल पैदा हो गए हैं। और अब जनता उन्हें माफ करने वाली नहीं है, 2023 में उनको सबक सिखा के रहेगी। और यदि मुझे मौका देती है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि समसवाद विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक मतों से जीत होगी। और 30 साल से आज तक कांग्रेस के कोई प्रत्याशी नहीं जीत पाया, मैं कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, यदि पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया तो ऐतिहासिक मतों से जो है ना हम सीट निकाल के माननीय कमलनाथ जी की झोली में डालेंगे, जो कि वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के हाथ मजबूत। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों में विदिशा जिले की विधानसभाओं पर बड़ा घमासान देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, विदिशा।